अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर कबीर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग 9th साइंस मैथमेटिक्स का जो है ना चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को जो है ना हम लोग हल कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको आज सिखाऊँगा कि आप लोग जो आपके पास एक्सपोनेंट में यानी साइंसी तरकीब के अंदर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर सवाल लिखा होता है उसको हम लोग ऑर्डनरी नोटेशन के अंदर यानी आम तरकीब के अंदर जो है ना वो किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या उसका जो है ना मेथड होगा, क्या उसकी टर्मिनोलॉजी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो है ना वन जो है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया था वो था आम सवाल, मतलब कि आपको आम फॉर्म में लिखा हुआ था और उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट किया था। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर सवाल है और इसको हमने आम तरकीब के अंदर यानी जैसे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ था उस फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी इस फॉर्म में जैसे ये मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये इस फॉर्म के अंदर जो है ना हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, चंद एक रूल मैंने आपको बताए थे कि आपने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर 10 की पावर आपके पास माइनस में हो तो देन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास सिफर आते हैं वो कहाँ पर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, जैसे देखिए मैं क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ, 6 × 10⁻⁴। अब चूंकि मेरे पास जो ये पावर है वो माइनस के अंदर है, इसलिए मैं 4 0 कितने हैं 4, तो मैं 4 0 एक इशारे से पहले, एक पॉइंट से पहले लगा देंगे। ठीक है, और 3 बाद में, 1 2 3 4 आगे क्या आ जाएगा, 6। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 2 हमारे पास है स्टूडेंट्स, 5.06 × 10⁻¹। ठीक है, 10⁻¹। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद हम लोग क्वेश्चन को एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं, 5.06 × 10⁻¹। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको आम सवाल करवाया था, जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पावर मुस्बत में होती है तो सिफर किस तरफ आते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। किस तरफ आते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, तो बाकी ये भी नंबर ऐड होते हैं लेकिन माइनस के अंदर ये वाला नंबर आगे पॉइंट से आगे नंबर ऐड नहीं होते। तो इसमें हम लोग क्या करें, कैसे लिखेंगे इसको, 5 0 6, टोटल कितने हो गए पहले नंबर को छोड़ के, 1 2, टोटल पावर कितनी है आपके पास, 10, तो आगे कितने ज़ीरो लगा देंगे, 10 में से 2 निकाल दें तो 8, 8 आगे ज़ीरो लगा देंगे, 2 4 6 और 8। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, ये वाला हम लोग इसको यूँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, आम तरकीब आ जाएगा। पार्ट नंबर हमारे पास इसका 3 है स्टूडेंट्स, 9.018 × 10⁻¹। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन है और इसको हमने अब जो है ना आगे कंटिन्यू करना है। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद क्वेश्चन को रिवाइज कर लें, 9.018 × 10⁻⁶ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे 9018। ठीक है, अब देखें, ये देखें आपके पास है पावर माइनस में। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक चीज़ तो आपने ये कि आपने जितने भी पावर होगी माइनस के अंदर जितनी पावर होती है उतने सिफर लगा देते हैं, एक पॉइंट से पहले बाकी पॉइंट के बाद, 0 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶ था तो मैंने लिख दिए। आगे जितने भी नंबर होंगे आप लोग उसको एज इट एज लिख देंगे। ठीक है, आगे नंबर आपके पास 9018 था ना, पॉइंट नहीं लगाना। ठीक है, क्योंकि पॉइंट को ख़त्म करके आप लोग जो है ना वो ये पॉइंट आपका शुरू में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, इतनी बात समझ आ गई। ये भी अगर फॉर एग्जांपल ये माइनस की पावर नहीं होता तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं आता, ये पॉइंट नहीं आता, ये बात याद रखनी है, ये सिर्फ माइनस की वजह से आ रहा है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि अगर इसी सवाल की जगह पर यह वाला सवाल होता, ज़रब 10⁻⁶, तो कैसे लिखते हम लोग, 9018, आगे 3 नंबर ये हो गए, 10⁻⁶ टोटल 6 है, 6 में से 3 निकाले 3, तो 3 आगे मजीद आगे आप लोगों ने 0 लगा देने हैं, मतलब फिर आप लोग पॉइंट लिखते ही नहीं हैं।
ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए जो है ना, आपकी आसानी के लिए जो है ना ये पार्ट किया है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर फोर है, पार्ट नंबर हमारे पास इसका फोर है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10^8 ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे और क्वेश्चन को एक मरतबा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10^8 ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 7865, आगे ये कितनी पावर आपके पास 10^8, इन नंबरों को भी गिन लेना, 1, 2, 3, 8 में से अगर हम लोग 3 निकालते हैं बाकी 5 बचते हैं तो 5 आ गया, सिफर लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है ना, हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 3.1 थी 9 साइंस मैथमेटिक्स की, वो हमारी उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो मुकम्मल हो गया, यानी ये पूरी एक्सरसाइज आपकी मुकम्मल हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर लाजमी तौर पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप तक फौरी तौर पर पहुँचती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।